चक्का, फनस और कटहल एक ही फ्रूट के नाम है, जैक फ्रूट के नाम है, और एक टिपिकल क्लाइमेट में ये उगता है, फलता फूलता है। सारे इंडिया में नहीं उगता है, चाहे आपको सारे जगह पे मिल जाएगा, सारे मेट्रो सिटीज में मिल जाएगा। रॉ फॉर्म में आता है, कच्चा फॉर्म में आता है और रिपन फॉर्म में भी आता है। और इसके अगर हम कैलोरी और प्रोटीन के और मिनरल्स विटामिन्स की अगर बात करें तो इसके अंदर हमें अच्छा खासा B6 मिल जाता है, B9 मिल जाता है, साथ में विटामिन सी होता है, ई होता है, के होता है, सोडियम पोटेशियम इसके अंदर मिल जाता है। और इसके अगर हम प्रोटीन की बात करें तो लगभग हमें इसके अंदर 2.5 या 2.7 ग्राम के आसपास प्रोटीन मिल जाता है। अगर हम इसके मॉइस्चर की बात करें तो लगभग 75 के आसपास हमें इसके अंदर मॉइस्चर मिल सकता है, वाटर मिल सकता है। और अगर हम इसके फाइबर की अगर बात करें तो लगभग 3.5 या 3.6 के आसपास हमें इसके अंदर फाइबर मिल जाता है। कार्बोहाइड्रेट होता है लगभग 14 ग्राम के आसपास या 15 ग्राम के आसपास हमें कार्बोहाइड्रेट मिल जाता है। साथ में इसके अंदर शुगर होता है लगभग 25 से लेकर 30 ग्राम के आसपास शुगर होता है। इसलिए डायबिटिक पेशेंट जो होता है, शुगर पेशेंट होता है, उसे रिपन जो कटल होता है ये खाने के लिए मना किया जाता है। रॉ खा सकते हैं, रॉ की करी बना के खा सकते हैं। और अगर हम इसके कैलोरी की बात करते हैं तो 100 ग्राम के कटल में लगभग हमें 70 से लेकर 72 ग्राम के आसपास हमें कैलोरी मिल सकती है। तो ओवरऑल बहुत ही बढ़िया अच्छा फ्रूट है। इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट है, मिनरल्स है, विटामिन है। और मैं फिर से एक बार रिपीट कर दिया तो इसके अंदर कैलोरी लगभग 72 ग्राम के आसपास हमें इसके अंदर कैलोरी मिलता है। और सीजनरी फ्रूट है, सीजन में आता है, आप इसे रिपन फॉर्म में खा सकते हो या रॉ फॉर्म में खा सकते हो, आप इसका मजा ले सकते हो।